आज हम वार्ड 42 में खड़े हैं, जिस वार्ड पे सरकार से लेकर मंत्री और विधायक की नज़र थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ने वो दूर खिलाया जो आज भोपाल की राजधानी में हलचल मची हुई है। इन्होंने काफ़ी वोटों से जीत हासिल की है, जबकि पार्टी यहाँ सत्ता में है। बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद इस वार्ड पर नज़र रखे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी स्तर पर यहाँ पर जीते, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने वो कमाल दिखाया जो विपक्ष के मुंह बंद कर दिए। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार उन्होंने ये सफल तय करा और किस प्रकार जीत हासिल की। सर, ये वार्ड जो है चुनौती भरा वार्ड था और यहाँ पे काफ़ी दिग्गज नेताओं की नज़र थी, किस प्रकार आपने फतेह की? देखिए, मेरे खिलाफ 8 लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक बीजेपी का और 4-5 लड़ाई है, और वो लड़ाई है जिनकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन वो चुनाव में कूद गए थे। तो शेर होता है जंगल में, जब वो शेर दहाड़ता है तो लड़ाई अपने आप गिर जाते हैं। मैंने एक साथ सातों को सबको बचाया। सर, बात करें, काफ़ी लीड से आप जीते हैं, क्या वजह रही? नहीं, पब्लिक का मुझ पर भरोसा है, जनता ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने चुनाव में जो मेरा साथ काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत, और ख़ासकर उन लोगों का कि जो पीछे से मेरे लिए काम कर रहे थे, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने वोट दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, तमाम तरह की साजिश भी हुई है, उस साजिश को किस तरह आपने पढ़े? देखिए, साजिशें तो सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने तो सामने ही बहुत सारी साजिशें दिख रही थी। साथ साथ लोग चारों तरफ से खड़े हो गए थे कि मैं इधर से वोट काटूंगा, मैं इधर से काटूंगा, लेकिन पब्लिक ने उनकी एक नहीं सुनी, सब ने मुँह की खाई और अपने घरों में बैठ गए। आज मुँह दिखाने लायक नहीं। सर, भोपाल में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करा, कहीं आपने उन सब पे मात देते काफ़ी लीड से चुनाव जीता है? मैंने मुझे 4367 वोट मिले और मैं 2346 वोट से चुनाव जीता, और मतलब मेरा जो चुनाव जीतना है वो सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे वो दिल से जुड़े हुए थे और ईमान से जुड़े हुए थे, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया, मुझे कहीं पिछड़ने नहीं दिया। मेरे पीठ पीछे लोग काम कर रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जीत जो होती है सच्चाई की होती है, और मैं सच्चाई भी था और मैं जीता। सर, ये जीत का सहरा किसके सर पे आप पाएंगे? मेरे कार्यकर्ताओं पे और पब्लिक पे। वार्ड 42 के हमारे साथ अजीज भाई थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे जितना भी कोई भी कुछ कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और मैं सच्चाई की राह पे चल रहा था, आम जनता की सेवा के लिए मैं निकला था, और जनता ने मुझे वोट देकर उन विपक्ष के मुँह पर थपाड़ा मारा जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, और 5 साल उस जनता को मैं बता दूंगा कि वास्तव में ही आपका